गाइस वेलकम टू फिल्मी मंत्रा, मैं हूं अनम शेक आपके साथ और मैंने मीशा। तो दोस्तों आज हम आपको देने वाले बिग बॉस 12 एपिसोड का रिव्यू, यानी कि आज आपको क्या क्या मस्ती भरा एपिसोड मिलने वाला है। लेकिन इस बार लगता है आप ये एपिसोड देख के एक तरफ सिंगर्स जो हैं वो काफी खुश होंगे और दूसरे जो जसलीन के जोड़ियाँ हैं वो काफी सैड होंगी कि ऐसा लगता है कि ये शो में जसलीन और अनूप जी अलग हो जाएंगे। बिकॉज आज के एपिसोड में ये दिखाने वाला है कि कुछ ब्रेकअप जैसा दिख रहा है। हाँ, जिसमें अनूप जी कहते हैं जसलीन को, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने कपड़ों को इतनी अहमियत दोगी और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सारे कपड़े ले जाके बाहर रख देता, लेकिन तुमसे बढ़कर मुझे कपड़े नहीं होते, बट तुम्हारे इस डिसीजन ने मुझे काफ़ी हर्ट किया है और इसकी वजह से पूरी रात में सो नहीं पाया यही सोच सोच कर, और ये बात जो है मेरे दिल पे लग गई है और हम जोड़ियों में थे, अब हम जोड़ी नहीं हैं, हम अभी अलग अलग हो चुके हैं और ये मेरा आखिरी डिसीजन है, जिसपे बाकी सब घर वाले समझाने की कोशिश करते बट वो नहीं समझते। फिर जसलीन आके उनसे अकेले में कहती है, आपके साथ मैं खुद भी तो नॉमिनेट हुई हूँ ना, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको अकेले को खतरे में डाला है। हाँ, बट वो कहते हैं कि नॉमिनेशन की बात नहीं, यहाँ पे बात है तुम किस किस से कितना प्यार करते हो और किस हद तक जा सकते हो। छोटी छोटी चीजों से टास्क से पता चल जाता है कि कौन किसके लिए कितना प्यार करता है, तो चाहे तुम आ जाओ या तुम्हारे दोस्त लोग आने समझाने के लिए, बट मेरा फैसला वही का वही रहेगा। जिस पर जसलीन बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहीं ना कहीं जो सारी ऑडियंसेस है उनको ये लगता है कि दीपिका की वजह से ये सब हुआ है, बट हमारे हिसाब से दीपिका ने टास्क अपना किया जो उसे करना चाहिए था, बहुत अपने हिसाब से खेली है। इन शॉर्ट उसने टास्क काफ़ी अच्छी तरीके से निभाए, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करती तो शायद खुद दीपिका नॉमिनेट हो जाती। हाँ, और अभी जो मजा आ रहा है खेल में, पहले वो नहीं आता। हाँ, तो ये पूरा ट्विस्ट है शो के अंदर बिग बॉस के घर में। तो आप बताइए आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में, और फिल्मी मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।